हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, एंड दिस इज योर फेवरेट जिस गोइंग ऑन अन अकेडमी टॉपर्स। तो आज एक ऐसा चीज़ मैं बता रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें और कैसे उसे मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालें, जिससे कि हम जो नीट का पैटर्न है जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम मैक्सिमली साथ के साथ याद कर सकें। बच्चे एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ भी बनते हैं कि भाई एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी चाहिए वैसे पढ़नी चाहिए, बट कोई ये नहीं बताता एनसीईआरटी को याद कैसे करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉपर्स कैसे याद करते हैं एनसीईआरटी को, जिससे कि उन्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, कन्फ्यूजन्स मिनिमम होते हैं और वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए, ये एक बायोमोलिक्यूल का एक छोटा सा टॉपिक मैंने निकाला है। कैसे नॉर्मली आप कैसे पढ़ते हैं, एंजाइम्स आर कंपोज ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, आपने पढ़ लिया, बट आपने कभी अपने आप से पूछा कि पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है? अगर आपको मतलब नहीं पता, आप इस लाइन को कभी समझ नहीं सकते। तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी है, हर एक पॉइंट को क्लियर करके चलना है, हर एक बेसिक को बना के चलना है, तब जाके हम सोच सकते हैं कि हाँ, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आर एनसीईआरटी, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न एनसीईआरटी। तो इस लाइन से क्या पता लगता है, इंजाइम्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स इन नेचर, दे आर मोस्टली प्रोटीन्स इन नेचर, ये लाइन यही बताती है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन व्हिच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर्स आर बाउंड टू द एंजाइम। ठीक है, तो यानी कि एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर होते हैं, बट इस एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं, है ना बच्चों? तो हर एक लाइन को हम याद कर रहे हैं और उसको हर एक लाइन को हम साथ में लिख रहे हैं। टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, यानी कि अगर को फैक्टर साथ में लगा है तभी एंजाइम एक्टिव होगा, वरना वो क्या रहेगा, इनएक्टिव होगा, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे एनसीईआरटी में, हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम के दो पार्ट्स है, एक प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम को फैक्टर कहते हैं। अगर ये को फैक्टर नहीं है, अगर ये को फैक्टर एबसेंट है, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लिखा हमने अच्छे से, हमने साथ में लिखा हर एक लाइन को, अगर हम एक्सप्लेन अपने हिसाब से करें, उसे हर एक मतलब को समझें, तो एनसीईआरटी को याद करना कभी भी मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, है ना? आज इसको और देखते हैं। टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव इन दीज इंस्टांसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम, और इसी प्रोटीन पार्ट को एनसीईआरटी क्या बोलती है, एपो एंजाइम बोलती है। तो जब एपो एंजाइम और को फैक्टर दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं, और यही सेम टू सेम लाइन आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन रह चुका है। देखा, अगर अगर हमने इसी तरीके से पढ़ा होता तो वो जो क्वेश्चन नीट में आता वो तो हमारे लिए हलवा होता, है ना? क्योंकि ये ऐसे ही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थ्री काइंड ऑफ को फैक्टर मे बी आइडेंटिफाई, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम, मेटालाइंस। यहां से भी नीट में क्वेश्चन आ चुके कितनी बार। तो आप को फैक्टर में हम तीन एरोज लगा लेंगे, एक के आगे प्रोस्थेटिक ग्रुप लिख लेंगे, एक के आगे कोएंजाइम, एक के आगे मेटालाइन, इस तरीके से हमने लिख लिया। नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप किससे बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो टाइटली अटैच्ड है, तो इसके ऊपर हम लिख लेंगे ये ऑर्गेनिक है प्लस ये टाइटली अटैच्ड है, जबकि जो कोएंजाइम है हमारा ये भी ऑर्गेनिक है बट ये टाइटली अटैच नहीं है। मेटालाइन के बारे में ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखिए, पूरा पैराग्राफ मैंने सिर्फ चार पॉइंट्स में डाल दिया। अब यहां से मुझसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो असर्शन रीजन पूछ ले, चाहे वो मेरे से पूरे चार ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से टॉपर्स जो है अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल निचोड़ देते हैं, खंगोल देते हैं कि वर्ड को समझते हैं और उसके नोट साइड बाय साइड लिखते हैं, जो मैं एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में कराती हूँ एवरीडे 12:30 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एनसीईआरटी को याद करना, शुरू से ऐसे लेके चलना। अगर आप ड्रॉपर है, आपके पास पुरानी एनसीईआरटी थी वो भरी हुई है, तो नई एनसीईआरटी ले लो यार, नई एनसीईआरटी में फिर से नोट्स बनाओ। जब वापस से ड्रॉप लिया तो एक बार फिर से कोशिश करके देखो, कोई बुरी बात तो नहीं बता रही ना, तो मैं मेहनत करने के लिए बोल रही हूँ, मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिलता है नालायको, ऐसे नहीं मिलता रिजल्ट। नीट की तैयारी कर रहे हो, ऑलमोस्ट 18 लाख बच्चों ने दिया था, इस बार हो सकता है 20 लाख बच्चे थे, टाइम पास से नहीं निकलता नीट, ये रियालिटी है, चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा।
फोकट में कुछ नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है रिजल्ट। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो, तब जाके बात बनेगी मेरे गधेड़ो। हाँ, ये नहीं होता कि लास्ट में मैम आई रिवाइज करा देगी तो काम बन जाएगा। नहीं, जो पूरे साल से मेहनत करो उनके 650 नंबर आते हैं, बाकी सब मैम सोचा था 650 आएंगे बट आ गए 500। कहाँ गए वो 150 नंबर? यहाँ पे गए ना, क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ी एनसीईआरटी। मॉड्यूल पढ़ रहे थे, कचरा पढ़ रहे थे लिटरली। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, काहे को कचरा पढ़ते हो बच्चों? नहीं पढ़ना, पढ़ना वो है जहां से नीट का पेपर बने। बस जो तुम्हें 2 साल की 4 लाख की फीस देकर तुम्हें बताएंगे, वो मैं शॉर्ट में तुम्हें आज इस वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में बता रही हूँ। कचरा मत पढ़ो, पढ़ो सिर्फ एनसीईआरटी, क्योंकि पेपर वहीं से बनता है। इसको याद करने के तरीके सीखो, इसको अच्छे से समझने के तरीके समझो। टाइम पास नक्को करो अपने फ्यूचर के साथ, ठीक है? ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, भाई देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे हैं, ये एक अनसैट का पेपर है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कॉलरशिप चाहते हैं मेरे बैच में पढ़ने के लिए, देयर इज अ ऑप्शन आई एम गिविंग यू, सिर्फ 99 रुपीज में ये फॉर्म भरना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 8 से 15 के बीच में ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, बहुत सारे इनाम भी है, 100% स्कॉलरशिप तक भी आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ये भर लो, जी स्क्वायर कोड यूज कर लेना, ठीक है? इससे क्या होगा मेरे बच्चों, आप में अगर काबिलियत है तो दिखा दो। सिंपल सी बात है, मैं आपको खुद कह रही हूँ, काबिलियत है दिखा दो, 100% स्कॉलरशिप ले लो और हमसे जुड़ जाओ, खत्म बात। यस, हमसे ले लो 100% स्कॉलरशिप, हम दे रहे हैं, आ जाओ और ले लो, छोड़ना मत इसको। क्योंकि अगर आप पार्शल ड्रॉप भी ले रहे हैं फिर भी आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो मुझसे। सुबह अपना कोचिंग कर लेना, सुबह अपना स्कूल कर लेना, सुबह या तो अपना कॉलेज कर लेना, शाम में मेरे से पढ़ लो, 100% स्कॉलरशिप ले लो अपने दम पर। क्यों टाइम पास करते हो? क्यों यूट्यूब पे पढ़े रहते हो? क्यों इतना डिस्ट्रैक्टिव वीडियोस देखते हो? मत देखो ना, आराम से आगे पढ़ो, 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ो यार। मुझे पता है तुम कर दिखाओगे तो कर दिखाओ। अब 5 सितंबर आ रहे तो मैम को 5 सितंबर वाले दिन को देना है, नहीं देना है सबको, सारे बच्चों को 6 बजे 5 सितंबर को आना है कहाँ पे? अनअकैडमी चैनल पर, ठीक है? क्योंकि ये अनअकैडमी वन ऐसा होने वाला इवेंट जहां पे इस बार 5 सितंबर को टीचर्स डे पे टीचर्स आपके लिए कुछ सारे टीचर्स मिलकर आपको कुछ देने वाले हैं बहुत बड़ा। मुझे सारे बच्चे चाहिए, पूरे जोश के साथ, पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखना है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग फॉर यू, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सरप्राइज यू आर वेटिंग फॉर, दिस इज समथिंग जो आप चाहते हो कि अनअकैडमी आपको दे। यस, ठीक है? तो ये दोनों चीजें मुझे आप लोगों से चाहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि मैम इस तरीके से मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं तो सीरियसली मेरे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे को एनसीईआरटी याद हो रही है और यही मुझे चाहिए था, है ना बच्चों? तो बोलो जय माता दी।